D4 जो देख रहे हैं तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। भगवंत सिंह मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उन्होंने ये शपथ खटखड़ कलां में ली। उन्हें गोपनीयता की शपथ पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने दिलाई। मान ने कहा, आज मैं किसी की निंदा चुगली करने नहीं आया, मैं आपको कह रहा हूं कि अहंकार मत करना, अपनी जीत पर दूसरों को मत चिढ़ाना। जिसने हमें वोट नहीं दिए, मैं उनका भी मुख्यमंत्री हूं, यह सरकार उनकी भी है। मान ने साफ कहा कि कहीं से यह खबर नहीं आनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी वाले अहंकार में आ गए हैं। भगत सिंह और ने सुपने लाए सी जड़ी आजादी दे, वो आजादी आम घर तक पहुँचाने की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तुसी साथ दिता है, कई जन्म लेने पैणगे तुहाडे इस प्यार का करजा उतारन लई। जिन्ना प्यार तुसी दिता है किसी ने सोचा नहीं सी कि ऐं भी हो सकता है। मैं अज किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, मैं तुहानू भी एक दो गल्लां कहणियां ने। हंकार नहीं करना, ये नहीं किसी घर मूहरे जाके ललकारा नहीं मारना कि असी जित गए, ये हो गया वो हो गया, कोई गल नहीं। जिन्हां ने आपां नूं वोटां नहीं भी पाईआं, आपां उहनां दे भी मुख्यमंत्री हाँ, आपां उहनां दी भी सरकार है, कोई गल नहीं। डेमोक्रेसी है, हरेक नूं हक है। सुकत दे कोई इस तरह की खबर ना आवे कि देखो जी ये हंकार कर गए, नहीं। हंकार का सिर नीवा हुंदा है, क्योंकि वक्त बहुत वड्डी चीज़ है, पब्लिक भी बहुत वड्डी चीज़ है। पब्लिक जदों चाहे बंदा अरश ते, पब्लिक जदों चाहे बंदा फर्श ते। उन्होंने यह भी कहा कि शहीद आजम भगत सिंह को देश की आजादी नहीं बल्कि उसके बाद देश किसके हाथ में जाएगा इसकी चिंता थी। उनका डर यह सही साबित हुआ। 70 साल से कुछ नहीं हुआ, आज की तारीख में पंजाब वाले वीजा लगवाकर उन्हीं के पास जा रहे हैं जिनसे आजादी दिलाने के लिए भगत सिंह समेत हजारों लोगों ने फांसी का फंदा चूमा। शहीद आजम भगत सिंह और ने सोचा सी, उन्होंने ये बिल्कुल फिक्र नहीं सी कि देश आजाद किवें होगा। उन्होंने फिक्र इस गल का सीगा आजादी तो बाद देश किहड़े हत्थां जाऊगा, और उन्होंने दा डर जिहड़ा फिक्र जिहड़ा सही भी साबित होया। जिन्ना हत्थां च आया 70 साल तो कुछ नहीं होया। असीं तां बाहर नूं भज्जी जांदे आं, असीं तां वीजे लवा लवा के उन्हां कोल जाई जांदे आं जिन्हां नूं कढ़न लई शहीद आजम भगत सिंह वर्गे हजारां योधे जिहड़े ने उन्होंने फांसी दे रस्से चूमे। सो आपां इत्थे ही रहना है, आपां इत्थे रह के अपना मुल्क ही ठीक करांगे, आपां अपना मुल्क ठीक करांगे, नहीं बगाने दरां ते अपने धक्के खाने। उन्होंने कहा कि हम पंजाब में बेरोजगारी से लेकर खेती, व्यापार, करप्शन और स्कूल अस्पताल की स्थिति को सुधारेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सिर पर भी ताज होता है। सो वीरो, थोड़े नाल दियां थोड़े वर्गे हां, ऐं रहांगे और काम करांगे। बेरोजगारी तो लैके खेती, व्यापार, करप्शन, स्कूल, हस्पताल, बहुत ताणी उलझी पई है। रेह की बोरी होंदी है जिहड़ी, जे उहनू उठे पास्यों खोलण लग जाओ तां अद्धा दिन लग जांदा है। जे किते उहदा इक सिरा लभ जे इधरले पास्यों, वह अद्धे सेकेंड च खुल जाती है। आपां इस उलझी हुई ताणी का सिरा लभांगे, सही वाला सिरा, सिरा तुहाडे सहयोग नाल। अखीर दे विच मैं एक शेयर बोलूँगा कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। उम्मीद की जा रही है कि भगवंत सिंह मान के मंत्रिमंडल के सदस्य 19 मार्च को शपथ ग्रहण करेंगे तो उनका मंत्रिमंडल भी पूरा हो जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी ये शपथ ग्रहण समारोह काफी सुखद रहा। शपथ ग्रहण ने भगवंत मान को उनकी बेटी व बेटे से करीब 7 साल बाद मिला दिया। पत्नी से अलग होने के बाद राजनीति में व्यस्त रहने के कारण भगवंत सिंह मान अपने दोनों बच्चों से नहीं मिल पा रहे थे। मान के दोनों बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं और अपने पिता को मुख्यमंत्री बनता देखने के लिए वह अमेरिका से पंजाब पहुंचे। उनकी बेटी जो कि 21 वर्ष की है सीरत, और बेटा दिलशान जो कि 17 वर्ष का है, दोनों ही आज भगवंत मान से मिले और वह खासे खुश हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ट्वीट किया, पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भगवंत मान जी
को बधाई। पंजाब के विकास और प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करेंगे। इससे पहले 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने पर प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी को अपनी शुभकामनाएं दी थी और लिखा था, पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं पंजाब के कल्याण के लिए केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा देता हूं। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की कॉपी ट्वीट की। इस्तीफे की कॉपी के साथ सिद्धू ने ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी की इच्छा के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार और मंगलवार को दिल्ली में हाल ही में पांचों राज्यों के विधानसभा चुनावों में हुई कांग्रेस की हार को लेकर समीक्षा की थी। उसके बाद मंगलवार को सोनिया गांधी ने पांचों राज्यों के प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्षों से इस्तीफा देने को कहा था। सोनिया गांधी के इसी आदेश के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को सुबह अपना इस्तीफा भेज दिया। हालांकि इससे पहले जिस दिन पंजाब विधानसभा चुनावों के नतीजे आए और आम आदमी पार्टी ने एक तरफा बहुमत हासिल किया, उसी दिन नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा देने की अफवाह भी आई थी। नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से इस्तीफा दिए जाने के बाद अब उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह तरह की चर्चाएं छिड़ गई हैं। पहले ही कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की हार का मुख्य केंद्र बिंदु नवजोत सिंह सिद्धू हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सवाल उठाए और बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर भी कई तरह के सवाल उठाए। नवजोत सिंह सिद्धू का अगला कदम क्या होगा यह कोई नहीं जानता, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को कोई पार्टी लेगी या नहीं इस पर भी संशय बना हुआ है। आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट विधानसभा हलके से अपना चुनाव हार गए थे। उन्हें आम आदमी पार्टी की जीवन ज्योत कौर ने करारी हार दी थी। इसी सीट से बिक्रम सिंह मजीठिया भी चुनाव लड़ रहे थे, वह भी चुनाव हार गए। लुधियाना के नगर निगम के अधिकारियों की ओर से एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि 2016 से लेकर 2020 तक लुधियाना में 57,000 से अधिक अवैध इमारतों का निर्माण हुआ है। इसी को लेकर नगर निगम के कमिश्नर प्रदीप कुमार सबरवाल ने सख्त एक्शन लिया और कई अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिए, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, इसलिए अधिकारियों को भी यह खतरा सताने लगा है कि कहीं उन पर कोई गाज ना गिरे। अमृतसर नगर निगम का हाल भी यही है, जगह जगह अवैध निर्माण हुए हैं, लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन निगम के अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठते रहते हैं। पहले तो ये इस बात के इंतजार में रहते हैं कि कोई इन्हें शिकायत करे। जब शिकायत कोई करता है तो उसकी सूचना जिसकी शिकायत होती है उसे दे दी जाती है कि तुम्हारे खिलाफ वो व्यक्ति शिकायत कर रहा है, जिस कारण शिकायतकर्ता के लिए परेशानी खड़ी होती है। उसके बाद नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो सालों से यहां पर मठाधीश बैठे हुए हैं, रिश्वत का खेल शुरू होता है। करोड़ों रुपए इन लोगों की ओर से कमाए गए हैं, क्या अब इन पर भी शिकंजा कसा जाएगा या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। यूक्रेन पर रूस के हमले का 21वां दिन है और मध्य कीव में अब भी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। कीव के उत्तर के उपनगरीय इलाकों में भीषण जंग जारी है। इसी दौरान रूसी रक्षा मंत्री के अनुसार मध्य पूर्व के 16,000 लड़ाकों ने यूक्रेन में रूस के लिए लड़ने की पेशकश की है। अगर ये लड़ाके यूक्रेन में लड़ने के लिए हथियार उठाते हैं तो ऐसा पहली बार नहीं होगा। रूस पहले भी इस तरह लड़ाकों की भर्ती करता रहा है, जिसे कुछ लोग भाड़े के सैनिक भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को यूक्रेन से लौटे छात्र छात्राओं से मुलाकात की और कहा, मेडिकल इंटर्न को राज्य सरकार यहां के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप करने की इजाजत दे देगी। इंटर्नशिप के दौरान उन्हें स्टाइपेंड भी मिलेगा। बंगाल के अलग अलग जिलों में 300 स्टूडेंट्स यूक्रेन से लौटे हैं। ममता ने कहा कि मेडिकल के चौथे, पांचवें और छठे साल के स्टूडेंट्स के लिए राज्य सरकार मेडिकल काउंसिल कमेटी को चिट्ठी लिखेगी ताकि उन्हें पश्चिम बंगाल में प्रैक्टिस का मौका मिल सके। आपको बता दें कि पंजाब से भी हजारों छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन से लौटे हैं। वह पांचवें वर्ष में थे, अंतिम वर्ष था उनकी MBBS की पढ़ाई को पूरा होने में। इसको लेकर भी सरकार से यह गुजारिश की गई है कि उनके लिए भी, इन विद्यार्थियों के लिए भी कुछ ना कुछ कदम उठाए जाएं ताकि इनका भविष्य खराब ना हो। पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले का एक और मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बैंक ने ILNFS तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड के NPA खाते में 2,060 करोड़ रुपए के
फ्रॉड की जानकारी दी है। पीएनबी की तरफ से सोमवार 14 मार्च को कहा गया कि वो निर्धारित नियमों के तहत पहले ही इसके लिए 824 करोड़ रुपए का प्रावधान कर चुका है। बैंक ने इस फ्रॉड की जानकारी रिजर्व बैंक को भी दे दी है। हरियाणा के गृह मंत्री और भाजपा नेता अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया और कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही अन्ना हजारे के आंदोलन को धोखा देकर हुआ। उनका यह कटाक्ष ऐसे समय में सामने आया है जब पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत सिंह मान ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने लोकसभा में दिए अपने भाषण में कहा कि केंद्र सरकार एक एक करके तमाम सरकारी अदायरे बेच रही है। उन्होंने रेलवे कर्मियों को दी जाने वाली पेंशन का मुद्दा भी उठाया। सर धन्यवाद, आपने डिमांड फॉर ग्रांट ऑन रेलवे पे बोलने का मौका दिया है। सर सर मैं आपका ध्यान देश के जो सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट है रेलवे की तरफ दिलाना चाहता हूँ। जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो तो बीजेपी गवर्नमेंट ने ये सब बेच दिए हैं। एनडीए के पार्टनर भी कुछ भी उस पर नहीं बोले। सर अब जब स्टाफ है जो पेंशन पे जाता है, रेलवे का 60% स्टाफ है जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत आता है। सर 1500-1600 रुपया करीब पेंशन बनेगी उनकी, कैसे गुजारा कर पाएंगे वो लोग। हम डिमांड करते हैं कि ये पेंशन एनपीएस खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सारे स्टाफ को लाना चाहिए ताकि वो लोग की सेवा करते हैं और उनका जब रिटायरमेंट होता है उनको कुछ मिल सके। यही नहीं सर, जो बजट आया है उसमें जो रेलवे के क्वार्टर हैं जो सबसे जरूरी चीज है, 70% रेलवे के क्वार्टर जो है वो कंडम है। सर मैं अमृतसर में बताता हूँ, 1000 रेलवे का क्वार्टर जो है वो कंडम है और घोषित कर दिया गया है। जब कोई रेलवे मुलाजिम रहता था वो 8% से लेकर 25% किराया रेलवे को देता था, उससे आमदन भी होती थी। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वो रेलवे का क्वार्टर बनाने का प्रावधान भी करें। रेलवे तो प्राइवेट हो जाएगी लेकिन फिर भी आप कर दीजिए, उससे वो जो लोग हैं जो मुलाजिम हैं उसको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि प्राइवेट कंपनी का पता नहीं कुछ कर पाए या ना कर पाए, ये तो आपका एक सपना है, पता नहीं कब तक पूरा हो जाएगा। स्टाफ जो है वो बहुत कम है सर, टीटी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है और रेलवे की चेकिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाती। हम चाहते हैं कि स्टाफ में भी वृद्धि हो। एक अन्य स्पीच में औजला ने कहा कि दुख की बात है कि देश की आजादी के 75 साल के बाद आज हमारे युवा यूक्रेन जैसे छोटे देशों में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, ये दुखद है। स्पीकर साहब, मैं जो पिछले दिनों यूक्रेन और रशिया के युद्ध में हमारे जो विद्यार्थी फंसे थे उनको लेने के लिए भी वहाँ पोलैंड तक गया हूँ। सर सबसे पहले तो दुख की बात यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत नीचे है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं एक छोटे से कंट्री में जाकर MBBS की एजुकेशन ले रहे हैं, ये पहले बड़े शर्म की बात है, दुख की बात भी है। पहले तो सरकार से ये निवेदन है कि हमारे स्कूल का एजुकेशन, हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बढ़िया कीजिए ताकि विद्यार्थी यहाँ रह सकें। सर मैं जब वहाँ गया तो वहाँ देखने को मिला कि बहुत विद्यार्थी जो हैं वो सरहद पार से पैदल आ रहे हैं, उनके पाँव सूजे हुए हैं और खारकी में करीब 1200-1400 बच्चे फंसे थे, जहाँ मेरे क्षेत्र के भी काफ़ी विद्यार्थी वहाँ थे। वहाँ डॉक्टर संधु थे, करण संधु उनकी टीम थी जिन्होंने नीचे ग्राउंड में काम किया है। सर मेरी एक तो हम्बर क्वेस्ट ये है कि उनको सबको चार पाँच इंडियन थे जिन्होंने टोटल राशन भी दिया और उनके रख रखाव का प्रबंध भी किया और उनको लेकर भी वहाँ से आए और बहुत दुखद मंजर था। सर सर एक तो उनको बुलाकर सरकार सम्मानित करे। दूसरी बात सर मेरी हम्बर क्वेस्ट ये है, जितने विद्यार्थी हमारे देश के आ चुके हैं अब हिंदुस्तान में, सर उनकी पढ़ाई जो अभी मेडिकल की है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। वहाँ ऑनलाइन क्लासेज अभी नहीं शुरू हो सकती क्योंकि जंग का माहौल है। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, उनके पेरेंट्स जितने पैसे वहाँ उनको पे करने थे फीस उतनी पे वो देने को तैयार हैं, उनकी जो मेडिकल की पढ़ाई है या दूसरे कोर्स हैं वो सरकार इंडिया में कंटिन्यू कराए और जो कॉलेज है उनकी सीटें बढ़ाएं। इससे क्या है कि आगे आने वाले समय में भी जो एजुकेशन में है, मेडिकल एजुकेशन में, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इंडिया में ही पढ़ाई हो सकती है। लेकिन दूसरी बात सर, बहुत महंगी पढ़ाई है मेडिकल एजुकेशन की और दूसरी भी सर उसके ऊपर लगाम लगाइए, ये बहुत बड़ा माफिया है, कम रेट में लोगों को सीटें दीजिए। धन्यवाद। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा ने कारपोरेशन में आयोजित एक समारोह के दौरान
उन कर्मियों को सम्मानित किया जिन्होंने विधानसभा चुनावों के दौरान अपनी ड्यूटी को सही ढंग से निभाया। इस तरह अज नगर निगम दे विच प्रोग्राम सी जिहड़ा भी चोन अमला सी हलका साउथ दे साडे जिहड़े रिटर्निंग ऑफिसर सी उन्होंने अज अपनी सारी टीम जिन्होंने इलैक्शन दे विच भावें वह साडे सैक्टर ऑफिसर सी साडे नोडल ऑफिसर हर वह कर्मचारी क्लरिकल स्टाफ साडे दर्जा चार कर्मचारी जिन्होंने सारे काम किए है अज उन्होंने एक किस्म का उन्होंने शुकराना अदा करन लई कि इन्नी अंथक मेहनत करके जिहड़ा है इलैक्शन सारे ने योगदान पाया है। सो अज एक हल्के ने प्रोग्राम किया है। सो असी भी सारे मैं कमिश्नर साहब हुणी सोच रहे हैं भी जिले का जिहड़ा है इस तरह का फंक्शन करके सारे जिहड़े पूरी दी पूरी अमृतसर टीम है जिन्होंने इन्नी मेहनत दे नाल अमृतसर दी जिहड़ी चोण है उन्हूं बड़ा निपरे चाढ़िया है निरपक्ष और जिहड़ा है बिल्कुल इंसीडेंट फ्री इलैक्शन करवाई है। सो इहदे लई सारे ही साडे कर्मचारीगण जिहड़े ने वह वधाई दे पात्र ने और उन्हां दी हौसला अफजाई लई अज असी इत्थे इकट्ठे होए सी और उन्हां नूं सारे नूं जिहड़ी है शाबाश भी दित्ते है सर्टिफिकेट्स भी दित्ते है और उन्हां नूं नवीं सरकार बनन ते इसे तनदेही नाल इमानदारी नाल वधिया अग्गे काम करन लई भी प्रेरिया है क्योंकि जो सरकार बनी है लोगों दीआं बहुत आस उम्मीदां ने। सो उन्हां आस ते उम्मीदां ते जो लोगों दीआं हैगीआं ने उन्हां नूं किस तरीके नाल पूरा करना है उहदे लई सारिआं तों जिहड़ी है इक वचनबद्धता भी लई हैगी है और सारे बड़े उत्साह च ने और बड़े खुश ने। मजीठिया विधानसभा हलके से चुनाव जीती बिक्रम सिंह मजीठिया की पत्नी गनीव कौर मजीठिया ने आज श्री हरिमंदर साहब में माथा टेका। गुरु साहब की बहुत बख्शिश है जी, बहुत गुरु साहब ने मेहर की है, उन्होंने अपार बख्शिश है, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कर आए हैं। बस उन्होंने बस यही कि गुरु साहब बल बख्शन की जी सेवा उन्होंने लाई है उते पूरी मेहनत नाल पूरी कर सकी है। मजीठे वासियां दा भी चंगी तरह सेवा कर सकी है जिवें उन्होंने साडा साथ दिता है डट के साडे नाल खड़े हैं उस तरह उन्हां दी डट के सेवा कर सकी है। विधानसभा हल्के लैके विधानसभा जा रहे हो की कहना चाहते हो किस तरह मैं की कह सकती हाँ जी जब जाके आऊँगी फिर दसांगी थोड़ा। मजीठिया साहब की कमी पूरी की जाएगी विधानसभा के अंदर जाके आवाज़ चुकी जाएगी पंजाब के हक की मजीठे के हक की। जरूर जी जरूर जल्द मजीठा साहब आप आएंगे मेरे नाल मिलके असी दोनों मजीठा वासियों का भी सेवा करांगे जिहड़े झूठे केसां च उन्हां नूं फसाया गया है गुरु साहब मेहर करनगे जल्द तो जल्द वो बाहर आएंगे तो असी मिलकर सेवा करांगे। मैं इस बारे कुछ नहीं कहना चाहता। इसी दौरान पर्यावरण को बचाने के लिए एक बार फिर श्री हरिमंदर साहब में आने वाले श्रद्धालुओं को पौधा प्रसाद के रूप में देने की शुरुआत की गई है ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। मेरा नाम कमलजीत कौर है। इतने अभी बूटे दे रहे सेव एनवायरमेंट सेव गर्ल चाइल्ड इतने बूटे डेली दे संगत आती है वो लैके जाती है बड़े चाव बूटा लाके जाते बहुत ज्यादा केयर करते हैं तो ओ सूंदा की जो बूटा वेस्ट नहीं करते दरबार गमले वाला कोई फुला वाला कोई फल वाला कोई छां वाला हर तरह की डिमांड मिक्स है। आज के लिए बस इतना ही, कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।